सो हे गेमर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम करते हैं फिर से टेक्नो बंदा के एक न्यू फ्रेश रिपोर्ट गाइस। हाजी ने फिर से टॉप 3 हेडिंग प्लेसेस के साथ, और ये वाले हेडिंग प्लेसेस होने वाले बहुत ही हार्ड आप लोगों के लिए। बिकॉज गाइस, इस वाले हेडिंग प्लेसेस को यूज करने के लिए आपको डाटा ऑफ करने की जरूरत नहीं, यानी कि गाइस इसको आप तुरंत यूज कर सकते हो, इसके लिए आपको डाटा ऑफ करना पड़ेगा ही नहीं, और इनको आप इजिली यूज भी कर सकते हो। तो गाइस बहुत ही ज्यादा तगड़े होने वाले 3 हेडिंग प्लेसेस आप लोगों के लिए रैंक पुश में खास करके बहुत ज्यादा काम आएगा। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो करना क्या है, वीडियो को करना है लाइक, और गाइज लाइक करने के बाद आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा, उसको करना है ऑल पे सेट, ताकि हर एक वीडियो का लुफ्त आप उठा सको, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक के जल्दी पहुंचे। और गाइज ये वाले हेडिंग प्लेसेस आपको परगेट्री पे भी मिलेंगे, अब बरमूदा पे, ठीक है। अब मैं दोनों का आपको मिक्स करके बताता हूँ। अगर आपको चाहिए बरमूदा का पर्सनल तो आप बता देना, और अगर आपको परगेट्री का पर्सनल चाहिए तो भी बता देना, मैं उन्हीं उन्हीं का बस जो है ला दूंगा। सो गाइज चलो फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या क्या करने होंगे। तो देखो, कई सिचुएशन ऐसे होते हैं कि पूरा आपका स्क्वाड जो है खत्म हो जाता है और आप बच जाते हो अकेले, आपके सिर पे आपने पूरा स्क्वाड का रैंक पुश करवाना रहता है। अगर बंदे हीरोइक के हैं तो और ज्यादा लगेगा ही लगेगा। तो आप लोगों को करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है, इस वीडियो में क्लियर करके जो है बताऊंगा कि क्या क्या जो करना है। सो गाइस, नंबर 3 के हेडिंग प्लेसेस को यूज करने के लिए आपको सिंपली यहां पर मार्स इलेक्ट्रिक पे आ जाना है, और ये वाला प्लेस जो है काफी ज्यादा तगड़ा होने वाला है। बिकॉज इस वाले प्लेस को आप क्लैश स्क्वाड में भी यूज कर सकते हो, वही ना गजब की बात। आप अगर क्लैश स्क्वाड भी खेलते हो ना तो भी ये वाला प्लेस आपके वर्क में आ जाएगा, और यहाँ पास आप छुप के उनको मार सकते हो और उन लोग देख भी नहीं पाएंगे, ठीक है। और रैंक में तो यूज करोगे ही करोगे, क्लासिक में भी करोगे, और क्लैश स्क्वाड में भी इसको कर सकते हो। तो इसको यूज करने के लिए आपको सिंपली मार्स इलेक्ट्रिक पे आ जाना है, यहाँ पास आप देख सकते हो इजिली। अब गाइज यहाँ पास आने के बाद आपको सिंपली इस तरफ आना है। अब गाइज देखो, पूरा खुला खुला है, यहाँ पास काफ़ी ज़्यादा जो है बंदे मरते हैं ऐसे पूरा खुला खुला है। तो गाइज यहाँ पास अगर आपका पूरा स्क्वाड ख़त्म होता है तो आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, बस इधर पीछे की साइड आना है, दौड़ते भागते जो भी करते हो, पैदल दौड़ते जैसे भी आओ आना है। और फिर आने के बाद आपको क्या करना है वो मैं आप लोगों को सिंपली बताता हूँ। सो गाइज यहाँ पास आने के बाद आपको सिंपली इधर आना है, देख लो ये वाला प्लेस। तो यहाँ पास आने के बाद आपको सिंपली इसके ऊपर जाना है। अब मैं आप लोगों को पूरा क्लियर करूंगा कि कैसे जाना है। तो आपको सिंपली इसके ऊपर आना है, और जो है मूवमेंट वाला को आगे करना है, ठीक है। रन का बटन नहीं दबाना है, मूवमेंट देख सकते हो मैं इधर उधर कर रहा हूँ, उस वाले बटन को आगे करके ऐसे जंप करना है। 2-3 बार करोगे आप इजिली ऊपर आ जाओगे। और गाइज यहाँ पास बहुत ही कम चांस बनता है कि बंदा आपको देख पाएगा, लेकिन 1% जो है बगल साइड से थोड़ा सा दिखता है, उसको आप चला लेना बगल का, मतलब ऐसे कई बंदे ध्यान भी नहीं देंगे, लेकिन गाइस आप 100% यहाँ पास बच जाओगे, आपको कोई भी बंदा जो है मार नहीं पाएगा। मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ सीन कैसा है, ठीक है। और ये वाला हेडिंग प्लेस को आप इजिली यूज़ कर सकते हो, और सभी के लिए है, ठीक है, और डाटा ऑफ करने का ज़रूरत ही नहीं है। तो का क्या मतलब, एकदम मस्त आओ दौड़ते भागते जैसा भी, और बस उधर चढ़ के बैठ जाओ चुपचाप। सो गाइस, नंबर 2 का हाइडिंग प्लेसेस को यूज करने के लिए आपको आना है बुलसेस पे, और यहाँ पास आने के बाद आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। तो इधर आपको अच्छी खासी लूट कर लेनी है। और गाइस अगर आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो, या फिर सोलो वर्सेस सोलो, या सोलो वर्सेस डुओ, या फिर स्क्वाड में आपका पूरा टीम खत्म हो गया, आप अकेले बच गए, तो यहाँ पास आपको कैसे करना रैंक पुश वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पास आप कहाँ पास छुपोगे, चार्ड के बगल पे है, थोड़ा सा CP8 से जुड़ा है, और बुलसेस के इस तरफ है, मतलब बगल पे। तो आप कहीं से भी यहाँ पास आ सकते हो दोनों कंडीशंस पे, और प्लांटेशन से भी इधर आ सकते हो बचने के लिए। सो गाइज आपको पीछे पे एक बाइक मिल जाएगी, या फिर कार मिल जाएगी, जो हो मिल जाएगी, 100% गारंटी यहाँ बाइक या फिर कार जो भी है एक ना एक मिल जाती है। तो गाइज उसको सिंपली इधर से लाना है, और ला के ट्रक के पीछे रख देना है। देख लो ट्रक वो रहा, अब उसके पीछे आप लोगों को कर देना कार को। चलो मैं कर देता हूँ, एंड जस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से उतर के इसके ऊपर कार के ऊपर जाना है। देख लो मैं कार के ऊपर जाता हूँ, अब यहाँ से आपको जाना है कार के ऊपर, और उससे ऊपर जाने के बाद आप इसके ऊपर आ जाओ, और यहाँ पास आप लेट के आराम से जो है अपना रैंक पुश आराम से कर सकते हो। यहाँ कोई भी बंदा शक ये नहीं करेगा कि बंदा यहाँ पास छुप सकता है, ठीक है। और अगर आप फायरिंग करोगे तो करेगा ही करेगा ऐसा, अगर आपको रैंक पुश करना है तो फायरिंग क्यों करोगे। और गाइस एक और ट्रिक है, आप यहाँ से इस पे तो जा सकते हो, बाकी आप सेकेंड वाले ट्रक पे भी जा सकते हो आराम से, तो उसका भी मैं बताता हूँ कैसे जाना होगा। तो यहाँ पास आप ऐसे पीछे पे रख दो, और गाइज इसके ऊपर से भी जा सकते हो, चलो मैं दिखाता हूँ। तो इसके ऊपर से दौड़ के भी जा सकते हो, और कार जो रखा हूँ उधर से भी जा सकते हो, तो मैं दोनों दिखाता हूँ। इधर से आप ऐसे जंप करके जा सकते हो, थोड़ा सा गलती हो गया। और इसके ऊपर से अगर आपको नहीं बनता है तो मैं और एक ट्रिक बताता हूँ इसके ऊपर जाने का।
सो इधर से आना है, ऐसे इसके ऊपर जाना है, और इसके ऊपर जाने के बाद आप यहाँ आराम से आ जाओगे। अब लेट के आप जो है यहाँ से सो गाइज नंबर वन के हेडिंग प्लेस को यूज करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है गाइज, यहाँ पास माउथ हाउस पे आ जाना है, और यहाँ भी काफी ज्यादा धुलाई पड़ती है। अगर आपका पूरा स्क्वाड खत्म हो जाता है तो आप भाग नहीं पाते क्योंकि पानी पड़ जाता है बीच पे और तैर के जाना पड़ता है। तो गाइज यहाँ पास आप हाइड कैसे हो सकते हो, ठीक है, तो इसका गजब का ट्रिक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पास देख सकते हो माउथ हाउस पे हैं अभी, और गाइज ये वाला काफी ज्यादा, मतलब ये वाला सबसे अच्छा मेरे को लगा, और आपको कौन सा अच्छा लगा ये कमेंट पे मेरे को जरूर से बताओ, मेरे को ये वाला सबसे अच्छा लगा। तो गाइज इस वाले को यूज करने के लिए आपको सिंपली माउथ हाउस आना है, और गाइज आना नहीं है मतलब ऐसे फंसे रहते हैं बंदे, तो बताता हूँ क्या करना है उस सिचुएशन पे। सो गाइज आपको नीचे आ जाना है, देख लो इधर नीचे इस साइड, और इस साइड आने के बाद आपको इधर बोट रहता है उधर जाना है, ठीक है, इधर देख लो बोट रहता है इधर जाना है। अब गाइज बोट रहता है इधर, आने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, पीछे साइड आना है, और पीछे साइड देख सकते हो इधर से आप जाके आराम से उधर से हाइड हो सकते हो। ये देख लो, ये मेरे को सबसे बढ़िया लगी, आपको कौन सी अच्छी लगी कमेंट्स पे जरूर बताओ, और गाइज लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे हाइडिंग प्लेसेस और इनविजिबल ट्रिक्स की वीडियोस लाता रहता हूँ। और गाइज साथ ही साथ कमेंट करके बता दो अगला वीडियो कौन से टॉपिक्स पे आना चाहिए, तो फटाफट से बता दो कमेंट पे। और इस ऐसे 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 लेट के भी शायद तक से नहीं जा पाएंगे, ये देख लो नहीं जा पाएंगे, ठीक है, तो आप ऐसे बैठ के ही चले जाना इधर से। और ये वाली मेरे को सबसे अच्छी लगी, ठीक है, ये देख लो पीछे से बस बंदे थोड़ा देख पाएंगे, बाकी बीच का नहीं देख पाएंगे, और ऐसे भी माउथ हाउस पे फंसे हो तो बंदे माउथ हाउस पे रहेंगे ना, इधर थोड़ी ना रहेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं अगले, बाय बाय।